वीडियो लेक्चर के इस सीरीज में आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी इंडियन नेशनल सिंबल्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो फिर मातृभूमि को नमन करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला टॉपिक है नेशनल एम्बलम, और नेशनल एम्बलम का मतलब है राष्ट्रीय प्रतीक, और वी कैन से इट इज अ सिंबल ऑफ ए नेशन। भारत का नेशनल एम्बलम 3rd century BC में मौर्यन किंग अशोक द्वारा बनवाए गए सारनाथ लायन कैपिटल से लिया गया है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है ये सारनाथ है क्या और कहाँ पे है। दोस्तों ये सारनाथ एक जगह का नाम है जो यूपी के वाराणसी सिटी के पास आता है। सारनाथ वही प्लेस है जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, यानी कि द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सेरमन। इंडिया का नेशनल एम्बलम 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, जिसका मोटो है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की सदैव जीत होती है और ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ्स। इंडिया के नेशनल एम्बलम में चार एशियाटिक लाइन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ चारों दिशाओं में सुरक्षात्मक पोजीशन में खड़े हैं। दोस्तों अगर आप नेशनल एम्बलम को नजर डालें तो आपको यहाँ पे 3 एशियाटिक लाइन दिखाई देंगे और फोर्थ वाला हिडन है। और यहाँ पे देखिए अबाकस के सेंटर में आपको अशोक चक्र मिलेगा और उसके राइट हैंड साइड में आपको एक बुल का पिक्चर मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में एक रनिंग हॉर्सेस मिलेगा आपको, ठीक है। और देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का एंड है और राइट हैंड साइड का जो एंड है वहाँ पे आपको धर्म चक्र मिलेगा। एम्बलम के नीचे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। दोस्तों नेक्स्ट इज अबाउट ऑन इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडिया का नेशनल फ्लैग तिरंगा, जो तीन कलर ऊपर में सेफ्रॉन यानी नारंगी, बीच में व्हाइट यानी सफेद और नीचे ग्रीन यानी हरा रंग से बना हुआ है, और इसका सेंटर में है 24 खाड़ियों वाला अशोक चक्र जिसका कलर है नेवी ब्लू। तिरंगा को 22 जुलाई 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक मीटिंग में अडॉप्ट किया गया था और 15 अगस्त 1947 को नेशनल फ्लैग को ऑफिशियल स्टेटस मिला, और इसका प्रोपोर्शन है 2:3। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ नेशनल फ्लैग खादी से बना होना जरूरी है। खादी एक स्पेशल टाइप का हैंडस्पून क्लॉथ या फिर एक सिल्क मटेरियल है जिसको गांधी जी ने पॉपुलर किया था। 20 यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड तिरंगा के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर पैनी नजर रखता है। तिरंगा के ऊपरी हिस्से में सैफ्रन कॉलर जो इंडिकेट करता है कंट्री के स्ट्रेंथ और कॉरेज को, व्हाइट बैंड इंडिकेट करता है पीस और ट्रूथ को, द लास्ट बैंड यानी कि ग्रीन बैंड इंडिकेट करता है लैंड की फर्टिलाइजिंग ग्रोथ और ऑस्पिशियसनेस को। अशोक चक्र धर्म चक्र का चित्रण करता है जो 24 स्पोक्स यानी 24 खाड़ियों को रिप्रेजेंट करता है। ये 24 खाड़ियां या फिर 24 स्पोक्स इंसान के 24 क्वालिटीज को चित्रण करती हैं। चलिए एक एक स्पोक को डिटेल में एनालाइज करते हैं। इन 24 खाड़ियों में से पहला खाड़ी रिप्रेजेंट करता है चेसिस्टी को, यानी इंस्पायर टू लिव ए सिंपल लाइफ। सेकेंड स्पोक रिप्रेजेंट करता है हेल्थ को। थर्ड वन रिप्रेजेंट करता है पीस को। फोर्थ रिप्रेजेंट करता है सेक्रीफाइस को। फिफ्थ वन रिप्रेजेंट करता है मोरालिटी को। सिक्स्थ वन रिप्रेजेंट करता है सर्विस को, यानी कि रेडी टू सर्व कंट्री व्हेन एंड सोसाइटी व्हेन इट नीडेड, ठीक है। और सेवेंथ वन रिप्रेजेंट करता है फॉरगिवनेस को। एइथ वन रिप्रेजेंट करता है लव को। नाइन्थ वन रिप्रेजेंट करता है फ्रेंडशिप को। टेंथ वन रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी को, यानी टू डेवलप ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड इन द कंट्री, ठीक है। और 11th वन रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। 12th वन रिप्रेजेंट करता है वेलफेयर को। 13th वन रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी को। 14th वन रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्री को। 15th वन रिप्रेजेंट करता है सेफ्टी को। 16th वन रिप्रेजेंट करता है अवेयरनेस को। 17th वन रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी को, टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सोसाइटी बेस्ड ऑन द इक्वालिटी, ठीक है। और 18th वन रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। अर्थ यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, ठीक है। और 19th वन रिप्रेजेंट करता है पॉलिसी को, यानी टू हैव फेथ इन कंट्रीज पॉलिसी। 20th
ट्वेंटी रिप्रेजेंट करता है जस्टिस को, और 21st रिप्रेजेंट करता है कोऑपरेशन को, 22nd रिप्रेजेंट करता है ड्यूटी को, 23rd रिप्रेजेंट करता है राइट्स को, और 24th यानी कि फाइनल खाड़ी रिप्रेजेंट करता है विजडम। आइए दोस्तों हमारी तिरंगा की इस हिस्टोरिकल जर्नी को विटनेस करते हैं। फर्स्ट नेशनल फ्लैग को 1906 में कोलकाता के पारसी बेगम स्क्वायर में पहली बार होस्ट किया गया था। इस फ्लैग के ऊपरी हिस्से में ग्रीन कलर का एक बैंड है जिसमें 8 लोटस फ्लावर, मिडिल में येलो कलर का बैंड है जिसमें वंदे मातरम, और नीचे की तरफ रेड कलर का एक बैंड है जिसमें एक मून और एक सन को चित्रण किया गया है, ठीक है, या फिर इसको पिक्चराइज किया गया है। 1907 में सेकेंड फ्लैग पेरिस में मैडम क्यामा ने होस्ट किया था, और ये पहला फ्लैग जो था उसको खाली उल्टा कर दिया गया था। फ्लैग के ऊपरी हिस्से में रेड कलर की जगह सेफ्रन कलर ने और लोटस की जगह सप्तर्षि के तारों ने लिया था, ठीक है, उसको रिप्लेस किया था, और फ्लैग के बीच में येलो कलर का एक बैंड था जिसमें वंदे मातरम लिखा गया था, और लास्ट में एक ग्रीन कलर का बैंड था जिसमें सन और एक क्रिसेंट स्टार को चित्रण किया गया था। 1917 को होम रूल मूवमेंट के दौरान थर्ड फ्लैग सामने आया था, और इस फ्लैग में 5 रेड और 4 ग्रीन कलर के हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अल्टरनेटिवली अरेंज किए गए थे, ठीक है, एक क्रिसेंट स्टार दिखाई देगा। 1921 में चौथा फ्लैग सामने आया जिसमें ग्रीन और रेड कलर का बैंड हुआ करता था जो कि दो बड़े कम्युनिटी मुस्लिम और हिंदू को रिप्रेजेंट करता था। गांधी जी ने टॉप मोस्ट में व्हाइट कलर का एक बैंड ऐड करने के लिए सजेस्ट किया जो कि बाकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था, और इसमें आप एक चरखा देख सकते हैं जो रिप्रेजेंट करता है नेशन के प्रोग्रेस को। 1931 वॉज ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्लैग, ए रेजोल्यूशन वॉज फास्ट टू एडॉप्ट ए ट्राइकलर फ्लैग एज आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है। और ये रही हमारी तिरंगा जिसको 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था एज ए फ्री इंडियन नेशनल फ्लैग। इसमें गांधी जी के चरखा या फिर स्पिनिंग व्हील को अशोक चक्र ने रिप्लेस किया था। तो दोस्तों ये था हमारे नेशनल फ्लैग का जर्नी का पूरा लेखा जोखा। दोस्तों नेक्स्ट है नेशनल एनिमल। 1972 तक लायन इंडिया का नेशनल एनिमल हुआ करता था, 1972 से बंगाल टाइगर ने लायन को रिप्लेस किया, और इसका साइंटिफिक नेम है पंथेरा टाइग्रिस, एंड इट इज द सिंबल ऑफ इंडियाज वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल बर्ड, और इंडिया का नेशनल बर्ड है पीकॉक, और इसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टाटस, एंड इट इज द सिंबल ऑफ क्वालिटी, दैट इज ब्यूटी एंड ग्रेस, इट इज द सिंबल ऑफ कंट्रीज ब्यूटी एंड ग्रेस। नेक्स्ट है नेशनल एक्वाटिक एनिमल, इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है गंगास रिवर डॉल्फिन, और इसका साइंटिफिक नेम है प्लाटानिस्टा गंगेटिका। दोस्तों ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है क्योंकि इसका पॉपुलेशन धीरे धीरे डिप्लेट होता जा रहा है, घटता जा रहा है। नेक्स्ट है नेशनल रेप्टाइल, और इंडिया का नेशनल रेप्टाइल है किंग कोबरा जिसका साइंटिफिक नाम है ओफिफागस हना। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल हेरिटेज एनिमल, और यह है इंडियन एलिफेंट, इसका साइंटिफिक नेम है एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। नेक्स्ट है नेशनल फ्रूट, और यह है मैंगो, फलों का राजा आम, और इसका साइंटिफिक नेम है मैगीफेरा इंडिका, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल फ्लावर, और यह है लोटस, और इसका साइंटिफिक नेम है नेलुम्बो नुकीफेरा। दोस्तों नेक्स्ट है नेशनल ट्री, और यह है बनियान ट्री यानी कि बटरवृक्ष या फिर बरगद का पेड़, और इसका साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स, हालांकि इंडिया को हॉकी ने 6 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल जितवाया है मगर इंडिया का कोई भी डिक्लेयर्ड नेशनल गेम नहीं है। इंडिया का नेशनल एंथम है जन गण मन, और इसको कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इसको एडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, और यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 को INC के कलकत्ता सेशन में पहली बार इसको गाया गया था, और इसका प्लेइंग टाइम अप्रोक्सीमेट 52 सेकेंड है, इसको याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, एंड इट हैज इक्वल स्टेटस टू नेशनल एंथम। इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसको पहली बार INC के 1896 सेशन में गाया गया था, और इसको पहली बार गाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कैलेंडर, इंडियन गवर्नमेंट साका एरा को नेशनल कैलेंडर सिस्टम के तौर पर एडॉप्ट किया है, ठीक है, इंडियन नेशनल गवर्नमेंट ने साका एरा कैलेंडर को एडॉप्ट किया है एज इंडियन नेशनल कैलेंडर, और इसको एडॉप्ट किया गया था 1957 में, और ये स्टार्ट इसका जो स्टार्टिंग डे है ये मार्च 22, महीना है चैत्र, और इसका आखिर महीना है फाल्गुना, याद रखिएगा चैत्र और फाल्गुना,
पहला और आखिरी महीना के तौर पे गिना जाता है, ठीक है। और देखिए साका एरा का कैलेंडर मार्च 22 को स्टार्ट होता है और इसमें नंबर ऑफ डेज है 365, नंबर ऑफ मंथ है 12 और ये लूनी सोलर के बेसिस पे ये कैलेंडर बनाया गया है, ठीक है। लूनी सोलर के बेसिस में ये कैलेंडर बनाया गया है और साका एरा कैलेंडर के जो महीने सब है वो सब है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ और फाल्गुन। इंडिया का नेशनल सेंटेंस है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की सदैव जीत होती है। दोस्तों नेक्स्ट नेशनल लैंग्वेज, एक बात याद रखिएगा, इंडिया का कोई भी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज नहीं है लेकिन हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय पिता, भारत के राष्ट्रीय पिता है महात्मा गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को पहली बार एज ए फादर ऑफ नेशन एड्रेस किया था। इंडियन फॉरेन पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट। इंडिया का नेशनल इंफॉर्मेशन लेटर है व्हाइट लेटर और इंडियन का नेशनल करेंसी है रूपी। द न्यूएस्ट साइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ देवनागरी लेटर र एंड द लैटिन कैपिटल लेटर आर विदाउट द वर्टिकल बार। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देवनागरी लेटर र मतलब हिंदी में र और आर करके और जो लैटिन कैपिटल लेटर है आर, लेकिन इसमें वर्टिकल बार नहीं है, ठीक है। द फाइनल सिलेक्टेड सिंबल वॉज डिजाइन बाई डी उदय कुमार, ए बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड विजुअल डिजाइन स्टूडेंट एट द इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर ऑफ IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के स्टूडेंट थे उस टाइम में डी उदय कुमार जी, जिनके सिंबल को फाइनली सिलेक्ट किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट है इंडिया का नेशनल फेस्टिवल और इंडिया के नेशनल फेस्टिवल है गांधी जयंती जो कि अक्टूबर 2 में आता है, रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी एंड इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त। इस वीडियो लेक्चर का फाइनल पॉइंट, इंडियन नेशनल रिवर और ये है गंगा। थैंक यू दोस्तों हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, और भी ज्यादा तादाद में आप लोग जुड़िए ताकि हम लोग इस नॉलेज अफेयर फैमिली को और ज्यादा बढ़ा सके और आपके लिए इसी तरह और भी अच्छा नॉलेजेबल वीडियो सर आपके लिए ला सके। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी।